तेरी जबान खराब कर देगी तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। आपने हमारे साथ क्या नहीं किया, सड़कों पे मारा, थानों में मारा, घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे। यूं लगता है जैसे हड्डियों का पिंजर, उनका वजन 20 किलोग्राम कम हो गया है। इशारों से अपनी बातें समझाते हैं। जो 35 साल खूबसूरत जवान लगता था, इंतहाई खूबसूरत था और उनकी आवाज़ दबंग थी, जब बात करते थे तो पता चलता था, अब लगता है कि उनकी ज़बान को नुकसान दिया गया है। काफ़ी लोगों ने मुलाकात की, कहते हैं कि मिलके उनसे बहुत खुशी हुई, बट अब वो इमरान रियाज खान नहीं रहे। मियां अली इशफाक ने कहा कि इनकी ज़बान को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया गया है। अलबत्ता यादाश्त उनकी बहुत अच्छी है, उनको सब कुछ याद है। और वो कहते हैं कि जहां मैं रहा हूं वहां एक दिन भी कोई ना रह सके, लेकिन मैंने 4 से 5 माह वहां पे बर्दाश्त किए, वहां पे मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। काफ़ी लोगों से मुलाकात करके उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन अब वो बात जो है बड़ी मुश्किल से करते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान लड़खड़ाती है। जैसे पहले वो 1 मिनट में 10 वर्ड बोल लेते थे, लेकिन अब जो है 10 मिनट में 1 वर्ड को बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। पर वो हिम्मत नहीं हारे और कहते हैं कि जब तक जान है अपने पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूँगा और अपने पाकिस्तान के लिए काम करता रहूँगा, बोलता रहूँगा। और वो कहते हैं कि ठीक होते ही जहाँ से विलाग मैंने छोड़े थे वहाँ से इंशाअल्लाह ताला शुरू कर दूँगा, और मैं हक की बात करने से बिल्कुल नहीं डरता। जब तक अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दी है जीता रहूँगा। इमरान रियाज खान से काफ़ी सारे लोगों ने मुलाकात की और उनको हौसला दिया। आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत याब करे और वो फिर से अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि ये अपने पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।